प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना विकराल रूप पकड़ता जा रहा है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि अस्पताल में न तो बेड है न ही ऑक्सीजन सिलेंडर, यहां तक कि शमशान में भी लाशों की कतारें लगी हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि थाली सायरन और गोले बनाने से संक्रमण खत्म नहीं होगा। प्रदेश में हाहाकार मचा है और सरकार पब्लिसिटी करने में लगी है। तमाम मुद्दों पर ब्यूरो चीफ कुलभूषण सक्सेना ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में कब्रिस्तान, शमशान घाट की हमने आपको तस्वीर दिखाई, और अब अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई मध्य प्रदेश की सरकार जो है मरीजों को उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इसके साथ ही रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, इसकी कालाबाजारी देखी जा रही है। मेडिकल में दवाइयां उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट जो कोविड सेंटर है, डॉक्टर हैं, वो बार बार सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करते हुए ये नजर आ रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं इस समय ये देखा जा रहा है ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, वो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, गरीब वर्ग की मदद कर रहे हैं। इंदौर के विधायक की बात कर लें या फिर अन्य विधायकों की बात करें, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले हम उनसे ये चर्चा करेंगे कि क्या दिशा निर्देश सर आपको और पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपकी तरफ से दिए गए हैं कि ये जो संकट की घड़ी है, आम जनता अस्पताल पहुंच रही है, वहां पे उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, अगर कांग्रेस के नेता हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन पर जो है एफआईआर की धमकी दी जाती है। इसके पहले भी एक केस देखा गया था जेपी हॉस्पिटल में, पीसी शर्मा के खिलाफ किस प्रकार से बीजेपी के नेता खड़े हुए थे। स्थिति सर को समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ राजनीति में जो है बीजेपी पार्टी लगी हुई है, अस्पतालों की स्थिति आपके सामने। देखिए, आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति बहुत भयावह हो गई है, और समय रहते जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उसमें चूक हो गई। प्रश्न ये है कि कदम कौन उठाए, जो सत्ता में है उसी को कदम उठाना है, उसी को फैसले लेना है और उसी को चिकित्सा सुविधा समुचित रूप से उपलब्ध कराना है। कोरोना के संबंध में जो बात आती है, जो इंजेक्शन रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है उसकी हमें उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। आज स्थिति क्या है, जितने इंजेक्शन मध्य प्रदेश में आने की बात हो रही है उससे ज़्यादा एक्टिव कोरोना के पेशेंट हमारे यहाँ सरकारी आंकड़ों के ही हिसाब से मौजूद हैं, और एक पेशेंट को पल्मोनरी एक्सपर्ट के हिसाब से 3 या 3 से अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन लगते हैं। तो जितना इंजेक्शन आने की बात सरकार कह रही है उससे ज़्यादा तो एक्टिव पेशेंट है ही, मतलब ये है कि अपर्याप्त है रेमडेसिविर। वही टोसिली इंजेक्शन की स्थिति है, वही स्थिति जब अस्पताल में जाते हैं तो बेड उपलब्ध होने की है, मरीज जमीन पे लेटे हुए हैं, बेड उपलब्ध नहीं है, इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, जो चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, तो हो क्या रहा है। और सरकार ये कहे ऑल इज वेल, बेड है नहीं, इंजेक्शन है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, चिकित्सा सुविधा है नहीं और ऑल इज वेल सरकार कहे, तो ये तो वही स्थिति है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? इसके लिए सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। आप को अगर इंजेक्शन चाहिए तो जो रेमडेसिविर
मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनसे बात करिए। हमारे यहाँ का एक फेडरल सिस्टम है, दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है उससे आग्रह करिए कि हमारी स्टेट में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराइए, वो सुनिश्चित करेंगे। प्रश्न ये, आपने पहल क्या करी और कब करी, कितनी देर के बाद करी? जब आग लग गई तब आप कहें कि हम कुआं खोदने जा रहे हैं, हम तालाब बनाने जा रहे हैं, ये स्थिति क्यों निर्मित हुई? मैंने 10 सितंबर 2020 को ट्वीट किया था और उसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन, जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी कमी है, आगे और होगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, आगे और होगी। समय रहते सुनिश्चित कर लीजिए कि ये कमी न रह पाए। बाबई में ऑक्सीजन प्लांट खोलने की घोषणा हुई, भूमि पूजन दिसंबर में हो गया, आज तक क्या स्थिति है? गेट भी नहीं लगे। आज ये स्थिति है, मैं गया था होशंगाबाद, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया, जब मैं गया तो स्थिति ये थी कि वहां बाउंड्री वॉल भी नहीं बन पाई है। आपने सही कहा, गेट भी नहीं बने। आप कर क्या रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? कोई प्रोपेगेंडा सेक्टरी बने हुए हैं या आप राज्य के मुखिया? बात आती है, हम बहुत कंसर्न है, जिसकी जो जवाबदारी होती है कुलभूषण जी, वो उस काम को करता है, जिसका काम उसी को साजे। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप प्रदेश में मंत्री हैं, आप प्रदेश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं, और काम बांट करें मास्क बांटने का। उस समय का उपयोग आप मीटिंग करके पॉलिसी डिसीजन में करिए। आप सड़क पे बैठ के गोले बना रहे हैं, ये हो क्या रहा है, किसको दिखाने का काम हो रहा है? आपका जो काम है वो आप करिए, जो बाकी लोगों का काम है वो करें, ये सबकी जिम्मेदारी है। अब कहा जाता है जनता सहयोग करे, जनता इस चुनौती का सामना करे। अरे जनता अगर ये करेगी तो फिर आप वोट किस बात के लिए लेते हो? आपको वोट क्यों दे जनता? जनता ने आपको जिम्मेदारी और जवाबदारी सौंपी है, आप सत्ता में हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया होने के नाते, उसके भागीदार होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समर्पित भाव से करिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में बात करो तो वो दो बात कहते हैं, सब हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, हमारे पास पल्मोनरी एक्सपर्ट नहीं है, सरकार हमें वो उपलब्ध कराए। सरकार निर्णय ले, जो रिटायर्ड पल्मोनरी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सेवाओं के लिए आह्वान करें। छत्तीसगढ़ में वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक स्टेडियम को अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया, आपको कौन रोक रहा है? अब कहा जा रहा है इंजेक्शन लाने के लिए जो है हमारे पास वाहन सुविधा नहीं है, टैंकर नहीं है, ये तो पहले सोचना चाहिए, कंधे पर रखते थोड़ी आएंगे, टैंकर की व्यवस्था करिए। वो स्थिति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस समय हमको देखना पड़ेगा, अन्य बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है, भयावह स्थिति हो गई है। आपने सही कहा, शमशान घाट में स्थिति दिल दहलाने वाली है, कब्रस्तान में स्थिति आंसू बहाने वाली है, अस्पताल में स्थिति दयनीय हो गई है, परिजनों के सामने उनके परिजन मौत के शिकार हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, असहाय है, ये हो क्या रहा है? सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है? प्रतिदिन हम राजधानी भोपाल के शमशान घाट कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो 100 से अधिक एक शमशान घाट एक कब्रिस्तान में जो है हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होता है। सरकारी आंकड़ों की बात की जाए, जब सरकार का बुलेटिन आता है तो उसमें 50 लोगों की मौत पूरे मध्य प्रदेश में बताई जाती है, मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 बताया जाता है, तो आखिरकार ये छुपाया क्यों जा रहा है, क्या कारण है, सरकार इसको क्यों छुपाती है? देखिए, इसका तो जवाब सरकार दे पाएगी। मैं आज ये पेपर पढ़ रहा था, इसमें जो है कोविड की वजह से 112 मौतें हुई हैं, ऑफिशियल फिगर बता रहे रिकॉर्ड में केवल 4,
जबकि शमशान घाट और विश्राम घाट और कब्रस्तान में कोविड से मरने वालों की संख्या 112 है। वही स्थिति कोविड से जो संक्रमित लोग हैं उनकी है। मैं नहीं जानता, मेरी समझ से परे है ये आंकड़ों की जो बाजीगरी हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों छिपाया जा रहा है। वास्तविकता स्वीकार करिए, आप खुल के बोलिए कि हाँ बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, चिकित्सा सुविधा की कमी है, हम इसे समय रहते दूर करेंगे। सर हम भी कॉल करते हैं कई बार, कई ऐसे गरीब वर्ग या आपके पास भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, पूरे प्रदेश भर से आपके पास कॉल आते हैं कि आप उनकी मदद भी करते हैं, हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। कल देखा गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कॉल करते हैं, उनको बेड की उपलब्धता बताई जाती है, लेकिन जब आप और हम कॉल करते हैं तो ये बताया जाता है कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जो नंबर उन्होंने दिए हैं आप कॉल कर लीजिए, वो नंबर कोई उठाएगा नहीं, उठाएगा तो बेड कहाँ खाली है बता नहीं पाएगा। आप अस्पताल के जो ओनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनसे बात करने से बेड मिल जाए जरा बात कर लीजिए। पहली बात तो वो उठाएंगे ही नहीं फोन, अगर उठाएंगे तो असहाय हो जाएंगे कि साहब बेड उपलब्ध नहीं है। जब वहां पेशेंट हो गया तो कह देते हैं साहब रेमडेसिविर इंजेक्शन यहां मौजूद नहीं है। वो इंजेक्शन कैसे मिलेगा, आप एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लीजिए, अब तो आप मेडिकल स्टोर से भी नहीं ले सकते। तो ये जो एक काम बांटने वाली स्थिति है, कौन क्या इंतजाम करेगा ये सरकार को तय करना होगा। अभी तो स्थिति यह है कि प्रोपेगेंडा किए जाइए, हम जो कहीं जा रहे हैं तो बढ़िया उसकी पब्लिसिटी, अब पब्लिसिटी का समय नहीं है, अब मानव सेवा का समय है। एक साल सर हो चुका है, इस बीच स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर लेनी चाहिए। गुजरात से ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाती है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की इस समय काफी जरूरत है। आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा कि जो प्राइवेट क्लिनिक है, डॉक्टर अपील कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए, जो मरीज है संक्रमित मरीज अब वो तड़पते हुए मरते अपना दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा रही। इंदौर में अभी ये देखा गया है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी हो रही है। पहले ये कहा जाता है कि इस इंजेक्शन से मरीज ठीक हो जाएगा, लेकिन जब अब कालाबाजारी होने लगी है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, सरकार के हाथ से कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये इंजेक्शन असर आपकी बॉडी में नहीं करेगा। कौन डॉक्टर कह रहे हैं, कौन उनसे कहलवा रहा है, क्यों कहलवा रहा है? जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके परिजन जब बीमार कोविड से हों तब उनसे बोला जाए कि इस रेमडेसिविर की कोई आवश्यकता नहीं है, तब सही जवाब आ जाएगा। नहीं, अब तो बहुत जरूरी है, ये तो लगना ही चाहिए, तब ये कहा जाएगा। दूसरी बात, हम ये जानना चाहते हैं जब एक साल से ये स्थिति बनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आगाह किया, सचेत किया कि आगे आने वाले दिन और गंभीर होंगे, कोरोना का संक्रमण और बढ़ेगा, इसलिए उससे निपटने के लिए जो समुचित व्यवस्था होए वो कर देनी चाहिए। हम सारे आंकड़े से लेके बाकी व्यवस्था करना तो दूर रहा, हम ये लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि नहीं सब ठीक चल रहा है, सारी व्यवस्था हो गई, ये क्यों हो रहा है, किसको गुमराह करने के लिए हो रहा है, किसको भ्रमित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इससे मिलना क्या है, हासिल क्या होना है, प्रदेश का नुकसान होना है। थाली बजाई जा रही है, ताली बजाई जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आपने एक अभियान देखा था, सायरन बजाया जा रहा है, तो क्या इससे कोरोना कम होगा? देखिए जिस बीमारी का जिस ढंग से इलाज होना है उसी ढंग से इलाज किया जाता है। अगर किसी को निमोनिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है, कोरोना हो गया है और उससे कहे कि तू तो ताली बजा, सायरन बजा, सायरन सुन, उससे ठीक नहीं होना है, मजाक का विषय बना हुआ। मेरी समझ से परे है कि हम
ये उपहास का केंद्र क्यों बन रहे हैं, मजाक का विषय क्यों बन रहे हैं, इस चीज को बहुत गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? और अभी भी समय है, समय रहते अगर हमने समुचित व्यवस्था नहीं करी, कदम नहीं उठाए, तो हमारे प्रदेश में ईश्वर न करे ऐसी स्थिति हो जाए जिसके लिए हम पछताते रह जाएं। सर, इस समय देखा जा रहा है तमाम विपक्ष पार्टियां सरकार का साथ भी दे रही हैं, उनसे अपील भी कर रही है, उनको नए नए सुझाव भी दे रही है। हम ये राजनीति से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन हम दो स्वास्थ्य मंत्रियों की बात करेंगे, एक पूर्व एक वर्तमान। पूर्व वाले पहले तो बेंगलोर चले जाते हैं जिस समय कोरोना मध्य प्रदेश में एंट्री करता है। वर्तमान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दमोह में अपना समय देते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल की जो स्थिति देखी जा रही है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, तमाम जब ये अपील की जाती है कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, उनके ऊपर इनाम रखा जाता है, पोस्टर जो है उनके चिपकाए जाते हैं, तो आखिरकार इतनी लापरवाही क्यों कि स्वास्थ्य मंत्री ही प्रदेश से गायब? देखिए, मैं किसी पे ना तो आरोप लगाऊंगा ना टीका टिप्पणी करूंगा। मैं तो उनसे यही विनम्र आग्रह करूंगा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे के लिए अपने जिम्मेदारी को वो समझें और समर्पित भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। ना मैं पूर्व में जाना चाहता हूं ना वर्तमान में, मैं तो यही कहूंगा कि वो सब अभूतपूर्व है, इसलिए वो प्रदेश हित में अभूतपूर्व कार्य करे, यही मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है। सर, आखिरी सवाल, क्या कोरोना चुनाव से डरता है? जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहां कोरोना नहीं है, मध्य प्रदेश के दमोह में भी जो आंकड़े सामने अब निकल के आने लगे, हालांकि 100 के ऊपर आंकड़ा कल दमोह में पहुंचा है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी संक्रमित हुए हैं, तो क्या कोरोना चुनाव से डरता है? आखिरकार सरकार क्यों जनता की जान से खिलवाड़? आउटकम क्या निकल रहा है? दमोह में जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो कोरोना उन्हें हो गया है। जो प्रचार करने के लिए गए, चाहे वो शशांक भार्गव हों, चाहे विजेंद्र राठौर हों, चाहे अन्य MLAs हों जो हमारे गए थे, वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हमारे जो वर्कर वहाँ थे, जिसमें वहाँ का DCC प्रेसिडेंट भी है मनु मिश्रा, वो सब कोरोना से संक्रमित हो गए। उधर दूसरे भी लोग हों, कोरोना कौन किस पार्टी का ये देख के थोड़ी आता है, कौन है क्या है ये देख के थोड़ी आता है। तो मैं सोचता हूँ इस संबंध में तो बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत थी, लेकिन वो स्थिति गुजर गई। अब आगे की स्थिति से हम कैसे निपटें, वह विचार करने की गंभीरता से आवश्यकता है। सर, आखिरी सवाल, आप लोग के द्वारा भी तमाम सुझाव सरकार को दिए जा रहे हैं, लेकिन वो सुझाव माने नहीं जा रहे हैं। तमाम समितियों का गठन कर दिया जाता है, टोल फ्री नंबर जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हम उनमें कॉल करते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी उपलब्धता, चाहे इंजेक्शन से जुड़ी हो, दवाइयों से जुड़ी हो, डॉक्टर से संबंधित हो, अस्पतालों में बेडों की उपलब्धता हो, एम्बुलेंस अब लोगों को घर लेने नहीं पहुंच रही है, तो आखिरकार मध्य प्रदेश की सरकार किस ओर जा रही है? क्या सिर्फ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वो सिर्फ इस पूरे मामले में, कोरोना के मामले में क्या खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वास्तविकता तो वाकई यही है कि आप जिस अस्पताल में फोन करो, पहली बात तो फोन अटेंड ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो पहले ही वाक्य बोल देंगे साहब बेड उपलब्ध नहीं है, तो फिर काहे के लिए फोन किया जाता है। सवाल यह है कि अगर सरकार ने जो निर्णय ले लिया है कि बेड उपलब्ध कराए जाए, इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाए, अगर किसी अस्पताल में वो ना हो तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार उन अस्पतालों को जो पुराना भुगतान करना था वो दे। पहला बहाना उनका ये रहता है, सब हमें तो अपना भुगतान ही अभी तक नहीं मिला है, हम कहां से व्यवस्था करें? तो भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो रही है, और जो नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये देखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन पे गौर करना पड़ेगा कि जो कहा जा रहा है, जो डिसीजन लिया जा रहा है, उसका टाइमली प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। सर, ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज की तरफ से जो कोविड
टेस्ट की बात, आरटीपीसीआर आप कराने जाते हैं, भुगतान करते हैं, कोई कितना ही पैसा ले रहा है, कोई कितना ही ले रहा है। चार दिन में रिपोर्ट, रिपोर्ट आपको दूसरे दिन मिलना चाहिए, कहीं चार दिन में रिपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, कहीं सात दिन में रिपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अरे भाई आप टेस्ट के कई सेंटर खोल दीजिए, अब किसी को अगर चार दिन या छह दिन में आपने रिपोर्ट दी कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, जब तक वो घर में रहेगा तो बाकी लोगों को कर देगा, कोविड का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो एकदम मिले बगैर देरी के कोविड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए गवर्नमेंट। इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? इसमें तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से रेमडेसिविर आना है वैसी बात नहीं है, इसमें तो कहीं से ऑक्सीजन मेडिकली प्रोवाइड करना है उसकी जरूरत नहीं है, ये तो कोविड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बात है भाई, वो क्यों नहीं हो रहा? आज हमीदिया हॉस्पिटल में बिल्डिंग पूरी बनी हुई है, डॉक्टर हैं वहाँ, स्टाफ है, आप उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करिए, ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है लेकिन नहीं किया जा रहा, ये बहुत दुर्भाग्यजनक। मध्य प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि लगातार हम भी लोगों से यही अपील करते नजर आ रहे हैं आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए प्रदेश की धैर्यवान जनता से तो मैं यही विनम्रता पूर्वक अपील करूंगा कि इस कोविड महामारी से निपटने के लिए जो पर्याप्त सावधानी बरतना है, जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। समय रहते ईश्वर ना करे अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, नजर आते हैं, लक्षण दिखता है तो उसका इलाज कराया जाए। और ये नवरात्रि का पावन पर्व है, इस अवसर पर मैं माँ भगवती से यही विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करूँगा कि माँ भगवती सबको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और सबका कल्याण करे। बिल्कुल, साफ तौर पे कह सकते हैं सरकार के पास प्लान नहीं है, आनन फानन में तमाम नियम को जो है लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन अस्पतालों की तस्वीर हम आपको प्रतिदिन अलग अलग अस्पताल से दिखाते हुए नजर आते हैं, मध्य प्रदेश के तमाम शमशान घाट कब्रिस्तानों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर कुछ ही दिन हम आपको दिखा सकते हैं क्योंकि ये वैसी तस्वीर है 1984 गैस त्रासदी की भी अगर बात की जाए तो उस समय जो स्थिति नजर आई थी, एक साथ 100-100, 200-200 जो शमशान घाट कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार हो रहे थे, दफनाए जा रहे थे, अब वही स्थिति दोबारा 2020 और 21 में देखी जा रही है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो मुहिम आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज चला रहा है, हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहने। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।